हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में स्टडी विद राव सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 4.2 सम नंबर 28। प्रूव दैट डिटरमिनेंट, गाइस ये वाला डिटरमिनेंट आपके सामने, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको प्रूव करनी है कि राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, 4 a² b² c² आना चाहिए। तो गाइस इस पर ऑपरेशन क्या लगेगा, इसको कैसे प्रूव करेंगे हम? तो इसको प्रूव करने के लिए गाइस हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं एक बार। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो गाइज इस पर एक लॉजिक लगना है हमें, क्या करना क्या होगा गाइज, हमें रो वन को तो करेंगे मल्टीप्लाई गाइज ए से, इसको करेंगे बी से, इसको करेंगे गाइज सी से मल्टीप्लाई। मीन हमें एक बार ए बी सी से तो मल्टीप्लाई करना है गाइज सबसे पहले झटके में, और ए बी सी से ही डिवाइड करना है। ठीक है, ऊपर वाला तो चला जाएगा अंदर, ऊपर वाला ए बी सी कहाँ चला जाएगा गाइज, अंदर चला जाएगा और ऊपर आ जाएगा वन। ठीक है, तो ए तो जाएगा इसमें से भाई, इसमें मल्टीप्लाई खाएगा, तो मीन्स ए इंटू बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यहाँ पर आ जाएगा ए स्केयर, ए स्केयर बी, यहाँ पर आ जाएगा सी ए स्केयर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इच ए बी स्केयर, यहाँ पर आएगा इच बी इंटू सी स्केयर प्लस ए स्केयर, यहाँ पर आएगा इच बी स्केयर सी, यहाँ पर रहेगा सी स्केयर ए सी स्केयर ए, यहाँ पर रहेगा बी बी सी स्केयर, यहाँ पर रहेगा गाइस सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, सी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब गाइस मैंने रो वाइज इसको मल्टीप्लाई कराया है ए बी सी से, कॉलम वाइज हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो टेकिंग कॉमन ए बी सी, टेकिंग कॉमन ए बी सी, ए बी सी फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री, टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम सी वन सी टू एंड सी थ्री वी हैव। ठीक है, कॉमन निकाला हमने, ए बी सी कॉमन निकाल लिया, ए बी सी क्या निकाल लिया कॉमन गाइज, ए बी सी कॉमन निकाल लिया हमने, कैसे निकाला, अब कॉलम वाइज कॉमन निकाला है, यहाँ से गाइज ए कॉमन है, देखो यहाँ से ए कॉमन है, यहाँ से गाइज देखो बी कॉमन है, यहाँ से गाइज कॉमन क्या है सी कॉमन है। ठीक है, तो ए कॉमन निकाला गाइज, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर, यहाँ पर आएगा बी स्केयर, यहाँ पर आएगा गाइज सी का स्केयर। ठीक है, यहाँ से गाइज बी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई ए स्केयर, यहाँ पर रहेगा सी स्केयर प्लस ए स्केयर, यहाँ पर रहेगा गाइज सी का स्केयर, यहाँ से कॉमन है सी, तो मीन्स बी स्केयर, यहाँ पर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, यहाँ पर गाइज सॉरी गलत हो गया, सी कॉमन था ना, तो मीन्स यहाँ पर है ए स्केयर, यहाँ पर है बी स्केयर, यहाँ पर है बी स्केयर प्लस बी स्केयर, ये कर दिया गाइज। अब अपना ऑपरेशन क्या लगाना पड़ेगा, अब हमें गाइज ऑपरेशन लगाना है रोमन पर, किस पर लगाना है ऑपरेशन, रोमन पर ऑपरेशन लगाना है, मतलब आप हमें तीनों रो को जोड़ देंगे गाइज, तीनों रो को जोड़ देंगे गाइज, ऐसा करने पर हमें क्या बेनिफिट होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो सिकट जाएगा, अब ऑपरेशन लगाना अपना गाइज आर वन पर लगाना है, क्या लगाना है गाइज, आर वन पर आर वन आर टू और आर थ्री तीनों को आपने ऐड कर देना है, ऐसा करने पर होएगा क्या इनटू, ये ऐसे करने पर गाइस सारे ट्वाइस हो जाएंगे, टू टाइम बी सी स्केयर हो जाएगा, टू बी स्केयर हो जाएगा, टू सी स्केयर हो जाएगा प्लस टू सी स्केयर हो जाएगा, ऐसे करने पर यहाँ पर क्या होगा टू ए स्केयर हो जाएगा, और ये टू सी स्केयर हो जाएंगे, टू सी स्केयर हो जाएंगे, ऐसे करने पर टू टू ए स्केयर ऐसा हो जाएगा, टू बी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा, बी स्केयर सी स्केयर, सी स्केयर प्लस ए स्केयर सी स्केयर बी स्केयर और ए स्केयर प्लस बी स्केयर, बाकी सब ये रहेगा गाइज। ठीक है, यस गाइज, अब आपने करना क्या होगा गाइज, वैसे ना ऊपर से टू भी कॉमन है, ऊपर से टू कॉमन है ना, तो टू कॉमन निकाल सकते हैं ऐसे हम। ठीक है ना, टू कॉमन निकाल सकते हैं, तो हम टू कॉमन निकाल लेंगे गाइज, टू कॉमन निकालने पर गाइज बनेगा क्या, ठीक है यहाँ पर टू नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर टू नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ टू चला जाएगा, टू चला जाएगा, टू कहाँ चला जाएगा, इस बाहर आ जाएगा, सभी में टू कॉमन था, कॉमन निकाल दिया। अब गाइज ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, अब लगाएंगे गाइज ऑपरेशन
एक तो लगाएंगे गाइस C1 पर, किस पर लगाएंगे गाइस, C1 पर लगा लो, G2 पर लगा लो, ठीक है। तो गाइस अब ऑपरेशन क्या लगाना अपने, अब लगाना होगा गाइस G1 पर, G2 पर लगाएंगे गाइस हम, G2 पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, G2 माइनस G1 करेंगे, ठीक है, G2 माइनस G1 करेंगे। और G3 पर भी सेम तरीके से ऑपरेशन लगाना है, क्या लगाना गाइस, G3 माइनस G1, ये दोनों ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे गाइस। अब ऐसा करने पर होगा क्या, क्या होगा गाइस देखते हैं, मतलब G1 पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो B² प्लस C² रहेगा, ठीक है, यहाँ पर गाइस A² प्लस C² रहेगा, और यहाँ पर गाइस A² प्लस B² रहेगा, B² प्लस B² रहेगा, ठीक है। इसमें से गाइस ये माइनस करेंगे तो माइनस C² बचेंगे, माइनस C², इसमें से ये बचेंगे गाइस, यहाँ इसमें से ये माइनस करेंगे तो गाइस दोनों सेम सेम है, ठीक है ना, सेम सेम है, तो ये तो बन जाएगा जीरो, ये जीरो बन जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे ना तो माइनस A² रहेगा, माइनस C² रहेगा, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस B² आएगा, माइनस B², इसमें से ये माइनस करेंगे ना तो माइनस A² आएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो गाइस ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बिल्कुल मिलाकर जीरो आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब गाइस हमें इसको एक्सपेंड कर देंगे, क्या करते हैं गाइस अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, वैसे एक ऑपरेशन और भी लगा सकते हैं, चलो एक और लगाते हैं, फिर उसके बाद में इसको एक्सपेंड कर देते हैं गाइस। अब हम ऑपरेशन लगाएंगे गाइस, अब गाइस G1 पर ऑपरेशन लगाएंगे, किस पर लगाएंगे गाइस, G1 पर, G1 पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे आप देखते रहना ताकि थोड़ा शॉर्ट हो जाए, तो इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, बाकी अगर ऑपरेशन लगा लेंगे ना तो फायदे में आ जाएंगे, क्या जाएंगे फायदे में, मतलब G1 पर अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो G1 पर G1 प्लस G2 प्लस G3 फिर से कर सकते हैं। ऐसा करने पर गाइस ये दोनों, ये इसको जीरो बना देगा, यहाँ पर C² रह जाएगा, और यहाँ से ये कट जाएगा, B² रह जाएगा, तो ऐसे करने पर तुम्हारा तो जो सवाल है ना आसान हो जाता है, तीनों लोगों को जोड़ने पर, दोनों जोड़ते हैं तो ये तो जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, या ये इसमें ये इसको काट देगा तो C² रह जाएगा, C² रह जाएगा, यहाँ पर B² रहेगा, B², ठीक है। यस गाइस अब बाकी सारा सेम रहेगा, C² यहाँ पर जीरो, यहाँ पर रहेगा माइनस का स्केयर, माइनस के B² माइनस के A², और यहाँ पर रहेगा जीरो। अब गाइस इसको कर देते हैं एक्सपेंड, अब एक्सपेंड करने पर एक्सपेंडिंग अलोन, एक्सपेंडिंग अलोन R1, एक्सपेंडिंग अलोन R1 भी है वो, ठीक है, टू इंटू में जीरो, ठीक है, जीरो वाला तो लिखना भी नहीं, वैसे में जीरो वाले का क्या लेना देना, यहाँ पे गाइस माइनस C² आएगा, माइनस C² इंटू में फर्स्ट रो छोड़ देने पर, सेकेंड कॉलम छोड़ देने पर, इसके साथ में जीरो बन जाएगी मल्टीप्लाई, ये गाइस वैसे माइनस माइनस प्लस रहेगा, बट फॉर्मूले में माइनस तो माइनस आ जाएगा, तो गाइस माइनस के A² माइनस के A² B² बनेंगे, माइनस के A² B², ठीक है। यस गाइस अब गाइस प्लस के B² बनेंगे, प्लस के B² इनटू में फर्स्ट रो छोड़ देनी है, थर्ड कॉलम छोड़ देना गाइस, इन दोनों की मल्टीप्लाई में माइनस माइनस तो प्लस A² C² आ जाएगा, A² C² आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई जाएगा जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा, टू माइनस माइनस प्लस तो A² B² C² ये हो जाएगा गाइस प्लस A² B² C² गाइस। अगर ये सेम मतलब जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे गाइस, ऐड हो जाने पर ट्वाइस हो जाती है, मतलब टू इंटू टू A² B² C² सेम तरीके से टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू में A² B² C² और यही साइड आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ये चीज राइट हैंड साइड। तो गाइस यही हमें इम्प्रूव करना था, तो गाइस इसमें जो कुछ ऑपरेशन थे गाइस ये अपने विशेष रूप से याद रखने पड़ेंगे ताकि हमारा जो सवाल है ना आसान बने रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके और द बेस्ट।